हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पार्ट फाइव वीडियो ऑफ कंप्यूटर फॉर क्लास फिफ्थ लेसन वन। इन दिस वीडियो वी आल्सो लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर, देन यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बैंक्स, यानी बैंक में कंप्यूटर का क्या यूज है। तो कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक फॉर वेरियस पर्पजेज। हम जो कंप्यूटर का यूज जो बैंक में भी बहुत सारे पर्पजेज पे देखते हैं, जैसे कि ऑपरेट एटीएम्स एंड प्रोवाइड्स इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज़। जो है एटीएम से जो हम पैसा निकालते हैं वो सभी के सभी जो है ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज़, और ये जो है जो इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज उससे मिलती है, कंप्यूटर के हेल्प की सहायता से हम जो है उसको काम करते हैं। कीप रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स होल्डर्स एंड देयर ट्रांजेक्शन्स। कंप्यूटर में ही उनके जो है सभी जो है जितने भी अकाउंट होल्डर होते हैं उनके जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, और जो भी वो ट्रांजेक्शन करते हैं वो सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक वो सेव होता रहता है। डू ऑनलाइन क्वेरीज ऑफ अ कस्टमर्स अकाउंट बैलेंस। हम ऑनलाइन जो हम मोबाइल के कोई पार्टिकुलर नंबर पर मैसेज करते हैं या हम कॉल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर के थ्रू जो है वो जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उसके थ्रू सर्च करके वो हमें जो है बैलेंस शो करता है। तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इट इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट, अपडेट द अकाउंट बैलेंस, कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड वेरीफाई द चेक्स ऑफ कस्टमर्स। तो कस्टमर का जो है बैलेंस को चेक करना, उसको इंटरेस्ट चेक करना, उसकी चेक को जो वेरीफाई करना, ये सभी जो है कंप्यूटर के हेल्प से इजीली बैंक में हो पाता है। एटीएम का पूरा नाम आपको मालूम होगा कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट यूज हम देखते हैं कंप्यूटर का, द यूज ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस। तो ऑफिस में क्या यूज है, तो कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑफिसेस फॉर प्रिपेयरिंग डिफरेंट टास्क। ऑफिस में भी विभिन्न प्रकार के टास्क को करने के लिए हम यूज करते हैं कंप्यूटर का, जिससे हम अपना काम इजीली और एक्यूरेटली कर पाते हैं। जिससे मेक एंड कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑफिस डॉक्यूमेंट्स। ऑफिस के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको जो है सेफ रखने के लिए हम कंप्यूटर में सेव करते हैं। मेंटेन एम्प्लॉइज पर्सनल डिटेल्स एंड सैलरी रिकॉर्ड्स। कंप्यूटर के अंदर हर एक एम्प्लॉइज़ के जो है पर्सनल डिटेल्स क्या है और उनकी सैलरी का रिकॉर्ड्स वो रखते हैं। कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल। और ऑफिस के अंदर जो है कंप्यूटर के थ्रू हम जो है अपने एम्प्लॉइज़ या अपने जो है जो भी होल्डर्स होते हैं उनको जो है हम मेल के थ्रू जो कम्युनिकेट करते हैं। टाइप एंड प्रिंट ऑफिस डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपेयर प्रेजेंटेशन। और ऑफिस के अंदर बहुत सारे जो है लेटर्स लिखने पड़ते हैं और उनको जो डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए प्रेजेंटेशन, अपने किसी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन, अपने कंपनी का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए वो कंप्यूटर के हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कंप्यूटर इज इन लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में क्या यूजेस है कंप्यूटर का, इस पर देखते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन लाइब्रेरीज फॉर वेरियस पर्पजेज, जैसे कि एक्सेस लाइब्रेरीज कंप्यूटराइज बुक्स डेटाबेस। जो है जो कंप्यूटर लाइब्रेरी के अंदर जो भी बुक्स है उनके डेटाबेस को जो है क्या एक्सेस करना, उनके अंदर जो भी डेटाबेस में जो बुक्स हैं उनको जो एक्सेस करना। चेक रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स इशूड एंड रिटर्न। और जो भी सिस्टम के अंदर जो है रिकॉर्ड्स हैं बुक्स के, जिनको किसी को दिया गया है और कितना रिटर्न हुआ, इसका जो है रिकॉर्ड्स कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसको हम इजीली हम देख सकते हैं। एक्सेस ऑनलाइन रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल्स। और उसके अंदर सिस्टम जो होता है उसके थ्रू जो है ऑनलाइन रिसर्च के आर्टिकल्स को ढूंढना, ये सब चीज़ पॉसिबल हो पाता है, इसलिए उसमें भी लाइब्रेरीज में भी कंप्यूटर का यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को जो है हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत सर EDU पर आप जो है देख सकते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।